हरियाणा रोडवेज के सिरसा डिपो में राज्य सरकार की जीरो ओवरटाइम की पॉलिसी को लागू कर दिया गया है। इसके तहत लंबे रूट पर चलने वाले चालकों परिचालकों को 4 दिन की ड्यूटी के बाद 3 दिन का रेस्ट दिया जाएगा। हरियाणा सरकार को यह नीति लागू होने के बाद करोड़ों रुपए की बचत होगी। सिरसा से चंडीगढ़ है, दिल्ली है और राजस्थान के टाइमिंग है हमारे, सूरतगढ़ है, गंगानगर है, पोखरण है, जयपुर है। तो जैसे सरकार की पॉलिसी है, हमारे 2002 की पॉलिसी है, जिसमें 48 आवर्स के बाद रेस्ट दिखाया गया है। तो हम क्या करेंगे कि 48 आवर्स पूरा होने के बाद उनको 2 वर्किंग डे जैसे बन जाते हैं, 12x48 4 दिन के बाद 12 घंटे की रोटेशन मैक्सिमम बनती है, क्योंकि ज़्यादा बनेगी तो उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे आवर्स। उसके बाद जो रेस्ट बनेगा उसका रेस्ट देंगे, 1 हफ्ते के बाद फिर दोबारा उसी रोटेशन में जाएगा वो दोबारा से, और ऐसे हमारा सर्विसन बन जाएगा और जिसमें ओवर टाइम बिल्कुल जीरो हो जाएगा। नहीं, बसों में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भी गाड़ी कर्टेल नहीं करेंगे हम। चाहे लोकल गाड़ी है, लोकल की रोटेशन हमने बिना ओवर टाइम के एडजस्ट कर दिए हैं, उनको बिना 48 घंटे भी लगेंगे, वो तो ऑटोमेटिक रोटेशन में जीरो कर दिया हमने। लॉन्ग रूट जो इंटरस्टेट जाती है उनमें ओवर टाइम ज़्यादा था, 48 घंटे के बाद हम वर्किंग रेस्ट बनेंगे 2 उनके, उसके बाद 1 वीकली रेस्ट बन जाएगा 3 घंटे। 4 दिन चलने के बाद 3 दिन वो रेस्ट करेगा, 4th दिन ड्यूटी पे आएगा, नेक्स्ट वीक उसका स्टार्ट हो जाएगा। सिरसा डिपो से हमारी लगभग 40 गाड़ी निकलती हैं, इंक्लूडिंग राजस्थान। 35 गाड़ी हमारी सिरसा चंडीगढ़ और दिल्ली हैं, और 5 गाड़ी हमारी राजस्थान साइड में है, हरिद्वार में है। तो टोटल 40 के आसपास गाड़ी है लॉन्ग रूट की हमारी, उनको सबको हमने कवर कर दिया है। और सरकार की जो पॉलिसी है उसमें जो ना जो जीरो टॉलरेंस रखना है ओवर टाइम का, जीरो हो जाए। रोटेशन में 48 घंटे में स्टाफ की पोजीशन देख के हम उसी हिसाब से लॉन्ग रूट को कवर कर रहे हैं, कि लॉन्ग 48 घंटे जिनके हो गए हैं उनको हम रिमूव कर रहे हैं, दूसरे स्टाफ की ड्यूटी लगा रहे हैं। और लोकल रोटेशन है, जो लोकल रोटेशन में हम एक एक टाइम जो कर्टेल करना है, जो खाली चलता था दिन में, उस टाइम को हम एनालिसिस कर रहे हैं। उसका एनालिसिस करने के बाद उसका जीरो ओवर। सरकार को बेनिफिट ये है कि हमारा अधिकतम जो है ना पैसा जो है ना ओवर टाइम में जाता है, सैलरी से डबल, जस्ट डबल होता है हमारा, कि हमारी सैलरी भी नहीं है उससे ज़्यादा हमारे चालक परिचालक लेते हैं महीने में, तो उसको उसका लोड ज़्यादा है डिपार्टमेंट के ऊपर, तो कि हमारा डिपार्टमेंट काफ़ी घाटे में जा रहा है। इसको कम करने के लिए सरकार ने 2002 की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के आदेश दिए हैं और उस पर हम काम कर रहे हैं, और इससे सरकार को बहुत फायदा होगा। कर्मचारी संगठन हरियाणा सरकार की इस नीति को अव्यवहारिक बता रहे हैं, इसके कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कर्मचारी नेता मदन लाल के अनुसार पहले ही रोडवेज में कर्मचारियों की कमी है और बहुत सारी बसें डिपो में खड़ी हैं। हरियाणा सरकार बार बार ये तुगलक की फरमान जारी करके, और खास तौर पे परिवहन मंत्री, या तो हमारे एसीएस साहब जो है इनको मिसगाइड कर रहे हैं, या किसी है औरों के हाथों में खेल के हरियाणा की जनता को परिवहन सेवाओं से वंचित करना चाहते हैं। ये ओवर टाइम खत्म करके इंटरस्टेट की सेवाएं सुचारू रूप से नहीं चला पाएंगे। उदाहरण के तौर पर सिरसा से यदि दिल्ली 10 बसें आज भेजेंगे तो कल उन ड्राइवर और कंडक्टर का रेस्ट बनेगा। आने वाले टाइम में इतना स्टाफ किसी डिपो में नहीं है, क्योंकि पहले से ही हर डिपो में 20-20, 25-25 बसें स्टाफ की कमी के कारण खड़ी हुई है। इसलिए हम हरियाणा सरकार से मांग करते हैं, अपील करते हैं कि टाइम रहते हुए ये तुगलकी फरमान वापस लिया जाए और हरियाणा की जनता को परिवहन की सुविधा सुचारू ढंग से मिले और टाइम पे मिले। इसलिए या तो पहले भर्ती करके, चाहे वो डीसी रेट पे ही क्यों ना कर लें, रेगुलर करें तो बहुत अच्छी बात है, ताकि हरियाणा की जनता को, हरियाणा के जो बेरोजगार बहनों और भाई है, कम से कम 80,000 पोस्टें खाली पड़ी है डिपुओं में, तो पोस्ट भर लें, उसके बाद चाहे ओवर टाइम समाप्त कर दो। ओवर टाइम के लिए कोई नौकरी नहीं करता, हर आदमी 8 घंटे की ड्यूटी करके अपने घर की जिम्मेवारी में निभाना चाहता है। लेकिन ये दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लें, ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।